से दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजीपुर सब्जी मंडी के सचिव और उप सचिव में कोरोना की पुष्टि होने के बाद मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंडी को सैनिटाइज करने के लिए बंद किया गया है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। दरअसल इस सब्जी मंडी में मंडी सचिव जो हैं और जो उप सचिव हैं, दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। 2 दिन तक बंद करके इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा और इसकी वजह यह है कि जो सचिव और उप सचिव हैं वो दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद गाजीपुर की सब्जी मंडी को बंद करना पड़ा है। कोरोना की पुष्टि हुई है मंडी के सचिव और उप सचिव में। अब 2 दिन के लिए गाजीपुर सब्जी मंडी को बंद किया गया है और 2 दिन में इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। हम आपको बता दें, गाजीपुर सब्जी मंडी से सब्जियां जो हैं वो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी आती हैं और ऐसे में गाजीपुर सब्जी मंडी 2 दिन के लिए बंद की गई है क्योंकि इस मंडी के जो सचिव हैं और जो उप सचिव हैं दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सब्जी मंडी बंद कर दी गई है गाजीपुर सब्जी मंडी सचिव उप सचिव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। तय प्रोटोकॉल के मुताबिक इस सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद किया गया है और हम आपको बता दें कि 2 दिन तक इस सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए गाजीपुर सब्जी मंडी को बंद किया गया है और वो इसीलिए क्योंकि इस गाजीपुर सब्जी मंडी में सचिव और उप सचिव दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद एहतियात के तौर पर इस सब्जी मंडी को बंद किया गया है और 2 दिन के दौरान जब गाजीपुर सब्जी मंडी बंद रहेगी उस दौरान पूरी सब्जी मंडी को, सब्जी मंडी के एक एक इलाके को, एक एक कोने को सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि बाकी जो दुकानदार हैं उनके साथ क्या होगा, क्या उनको क्वारंटीन किया जाएगा, चलिए जानने के लिए हमारा संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बताइए, 2 दिन तक गाजीपुर सब्जी मंडी बंद रहेगी, सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन जो बाकी दुकानदार वहां पर हैं क्या उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर जो इन लोगों के संपर्क में रहे होंगे, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो निकालने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रही और ये पता लगाने के बाद उन सभी लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। अगर उनका लक्षण नहीं पाया जाता है, तो कोई लक्षण है तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि तमाम जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है इन दोनों लोगों की वो पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ 2 दिन तक जब ये मंडी बंद रहेगी तो लगातार सैनिटेशन का काम किया जाएगा। प्रशासन से जुड़े अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और इस काम की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी देर शुरू भी कर दी जाएगी।